भी रखो विश्वास, क्योंकि तुम हो शिव के दास। नहीं, शिव के पास। हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताएंगे। मूवी ओ माई गॉड 2 और गदर 2 रिलीज के पूरे 7 डेज कंप्लीट हुआ है और यहां पे जेलर मूवी रिलीज के पूरे 8 दिन कंप्लीट हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको गदर 2 और ओ माई गॉड 2 मूवी के 7 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे, साथ ही साथ जेलर मूवी के 8 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे। चलिए, आपसे उम्मीद भी है वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें मूवी गदर 2 के बारे में, तो दोस्तों गदर 2 एक हिस्टोरिक मूवी है। इस मूवी के टोटल बजट थे पूरे 100 करोड़ और कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन जो नेट कलेक्शन किया था पूरे 40 करोड़ 10 लाख रुपए, अपने दूसरे दिन में नेट कलेक्शन किया था पूरे 43 करोड़ 8 लाख रुपए, अपने तीसरे दिन में कलेक्शन किया था पूरे 51 यानी 51 करोड़ 70 लाख रुपए, अपने 100वें दिन पे नेट कलेक्शन किया था पूरे 38 करोड़ 70 लाख रुपए, अपने 85वें दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 55 करोड़ 40 लाख रुपए और अपने 60वें दिन में यानी कल इस मूवी ने जो नेट कलेक्शन किया था पूरे 34 करोड़ 50 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के 7वें दिन यानी आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज भी इस मूवी के कलेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दोस्तों नेट कलेक्शन आज जो नेट कलेक्शन करने लगे हैं गदर 2 मूवी इंडिया बॉक्स ऑफिस पे वो 26 करोड़ के आसपास, और इसी के साथ दोस्तों मूवी के 7 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होता है पूरे 289 करोड़ 48 लाख रुपए, जबकि 7 दिनों का टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन होता है पूरे 310 करोड़ का, और इन 7 दिनों में टोटल जो कलेक्शन आया है ओवरसीज यानी दोस्तों इंडिया के बाहर से वो तकरीबन 28 करोड़ का। यानी दोस्तों गदर 2 मूवी ने अपने 7 दिनों में यानी फर्स्ट वीक पे टोटली वर्ल्ड वाइडली जो कलेक्शन किया है पूरे 338 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, यही है शानी देओल पाजी के मूवी गदर 2 के 7 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन जो की होता है पूरे 338 करोड़। आपको बताते चले, कल है फिल्मी फ्राइडे, उसके बाद है सैटरडे, उसके नेक्स्ट डे भी संडे है, तो इन 3 दिनों कलेक्शन के मामले में बहुत ज्यादा अगेन ग्रोथ देखने को मिलेगा और एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड बनाएगी ये मूवी। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें मूवी जेलर के बारे में, तो दोस्तों जेलर तो बॉक्स ऑफिस का बाप है एक्चुअली में। आपको बताते चले इस मूवी ने जो कलेक्शन किया है एक हिस्टोरिक है दोस्तों। मूवी के टोटल अप्रोक्सीमेटली जो बजट है पूरे 200 करोड़। बात की जाए दोस्तों कलेक्शन की, तो दोस्तों जेलर मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन जो वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन कर लिया था पूरे 95 करोड़ 78 लाख रुपए, अपने दूसरे दिन में वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन कर लिया था पूरे 56 करोड़ 24 लाख रुपए, अपने तीसरे दिन में वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन कर लिया था पूरे 68 करोड़ 51 लाख रुपए, 4वें दिन में वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन कर लिया था पूरे 82 करोड़ 36 लाख रुपए, अपने 5वें दिन में वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन कर लिया था पूरे 49 करोड़ 3 लाख रुपए, और 6वें दिन में वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन कर लिया था पूरे 64 करोड़ 27 लाख, और अपने 7वें दिन पे यानी कल इस मूवी ने वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन कर लिया था पूरे 34 करोड़ 61 लाख का। बात की जाए दोस्तों मूवी के 8वें दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों जानकारी के अनुसार ये मूवी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे जो नेट कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 15 करोड़ का, जबकि आज इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन होने लगे हैं पूरे 18 करोड़, और ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से आज टोटल कमाई आने लगे है तकरीबन 8 करोड़ का। यानी ये मूवी जेलर मूवी अपने 8वें दिन में वर्ल्ड वाइडली जो कलेक्शन करने लगे है वो तकरीबन 26 करोड़ के आसपास। और इसी के साथ दोस्तों अगर मूवी के 8 दिनों का टोटल कलेक्शन को एक साथ जोड़ दी जाए, तो दोस्तों जेलर मूवी के 8 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होता है पूरे 477 करोड़ 80 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है सुपरस्टार थलाई बार रजनीकांत सर की मूवी जेलर के 8 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन जो की होता है पूरे 477 करोड़ 80 लाख। और इसी के साथ दोस्तों मूवी हो चुकी है ट्रिपल ब्लॉकबस्टर मूवी। यहाँ पे अगर बात करें अक्षय कुमार की मूवी ओ माई गॉड 2 के बारे में,
तो दोस्तों ओ माय गॉड 2 मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 150 करोड़। और कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन जो नेट कलेक्शन किया था पूरे 10 करोड़ 26 लाख रुपए, अपने दूसरे दिन में नेट कलेक्शन किया था पूरे 15 करोड़ 30 लाख, तीसरे दिन नेट कलेक्शन किया था पूरे 17 करोड़ 55 लाख, चौथे दिन में नेट कलेक्शन किया था पूरे 12 करोड़ 6 लाख, पांचवें दिन में इंडिया पे नेट कलेक्शन किया था पूरे 17 करोड़ 10 लाख, छठे दिन में यानी कल इस मूवी ने नेट कलेक्शन किया था पूरे 7 करोड़ 75 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के सातवें दिन यानी आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों जानकारी के अनुसार ओ माई गॉड 2 मूवी आज जो नेट कलेक्शन करने लगे हैं वो तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख रुपए। और इसी के साथ दोस्तों मूवी के 7 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होता है पूरे 86 करोड़ 52 लाख रुपए यानी 86 करोड़ 52 लाख। और इन 7 दिनों में टोटल इंडिया पे जो ग्रॉस कलेक्शन होता है डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन तकरीबन पूरे 100 करोड़ का। और इन 7 दिनों में टोटल जो कलेक्शन आया है ओवरसीज यानी दोस्तों इंडिया के बाहर से तकरीबन 18 करोड़। यानी दोस्तों अक्षय कुमार की मूवी ओ माय गॉड 2 ने अपने इन फर्स्ट वीक यानी शुरुआती 7 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है पूरे 118 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों यही है ओ माय गॉड 2 मूवी के 7 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन जो कि होता है पूरे 118 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यही थे तीनों ही मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आपसे उम्मीद है इसी तरह के मूवीज अपडेट वीडियो के लिए बॉक्स ऑफिस की खबरें के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, टेक केयर, बाय दोस्तों।